छठ पर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की उपासना कर उन्हें जल अर्पित किया जाता है और छठ माता को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। इसी मौके पर आज हम आए हुए हैं पूर्वी दिल्ली के यमुना घाट पर। इसी तरीके से हर यमुना घाट को सजाया जाता है ताकि लोगों को एक व्यवस्था दी जाती है, यमुना की साफ सफाई करवाई जाती है ताकि लोग यमुना में स्नान कर सूर्य देव को प्रसन्न कर सकें। इसी के चलते आज हम आए हैं पूर्वी दिल्ली के यमुना घाट पर। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। ये लोग सजावट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि हम सफाई भी करते हैं यमुना की। सीधे बात करते हैं, किस तरीके से छठ माता को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है और आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं? ये मैं पिछले 10-15 सालों से सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे। रोज़ हमारे जो है हफ्ता 10 दिन पहले हम आ जाते हैं, हमारी टीम, हमारे 10-15-20 लड़कों का टीम है। हम आते हैं, अपनी कटिंग करते हैं, सफाई करते हैं, ये घाट को साफ़ सुथरा करने के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट है लेकिन बहुत सारे सपोर्ट ऐसे हैं जो नहीं हैं, तो इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जैसे सफाई है, सफाई अब हम यमुना जी में अभी पानी नहीं है, 4 दिन पहले तक पानी था, अब पानी नहीं है, तो उसके लिए अब हम कटिंग वटिंग करके हम खुद आगे तक थोड़ा सा सफाई करेंगे ताकि जल आ जाए, ताकि हम उसमें जाकर अपना स्नान करके पूजा कर सकें। तो यही है, हम कोशिश ये करते हैं और हम दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सहयोग किया जाए और थोड़ा ज़्यादा सहयोग किया जाए, बाकी ठीक है। पानी को कैसे देखते हैं इस बार, पानी कैसा है, साफ है? नहीं भाई साहब, पानी साफ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा सफाई है। और अभी हमने ये कटिंग करके पीछे करी है, थोड़ा साफ लग भी रहा है, नहीं तो प्योर एकदम ब्लैक है, प्योर काला पानी है, इसमें आप पाँव नहीं धो सकते, ऐसे पानी है। पानी अभी पीछे से आया नहीं है, कहते हैं अभी छोड़ेंगे लेकिन पता नहीं कब छोड़ेंगे, क्योंकि अब तो थोड़ी देर में घाट पे आने का टाइम हो गया है, अब थोड़ी देर में प्रसाद सब आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं है। आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली है, ये पानी नहीं है, तो फिर देखते हैं बच्चों को नहलाना। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाओं के इंतजाम किए गए, पंडाल की बात करें या पानी की साफ सुविधा की बात करें? तो ये पंडाल की जहाँ तक बात है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये तो हम लोगों ने खुद लगवाया है, दिल्ली गवर्नमेंट से जो है 5-7 पंडाल लगे हुए हैं उस साइड, बट इस साइड अपने प्राइवेट सब अपने अपने लगवा रहे हैं, जिनको जैसी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जैसे अब ये लोग हम लोग खुद लगवाए हैं, तो सबकी अपनी अपनी है। दिल्ली सरकार की तरफ से पंडाल लगाए गए हैं, तो उसमें कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है? लगभग होंगे 100-150 बंदे बैठ सकते हैं उसमें, लेकिन इस पर आप देख रहे हो कि ज़्यादातर 1-1.5 किलोमीटर तक बंदा बैठा हुआ, 1-1.5 किलोमीटर तक आगे तक पूजा होता है। हाँ जी, ये सब प्राइवेट है, ये होता है। तो अगर मैं कहता हूँ ये टेंट ही लगता है तो आगे तक लगे तो सबको अच्छा लगता है, नहीं तो उनमें ये भावना आती है कि कुछ में लग रहे हैं कुछ में नहीं लग रहे हैं, ये अच्छा नहीं। सिर्फ लाइटों की मतलब दे रखे हैं पूरे में, बाकी ये है कि मैं ये नहीं कहता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन आगे और करने की जरूरत है। कुछ जगह कर रखे, कुछ जगह नहीं कर रहे, अच्छा नहीं। ना तो सहयोग कार्य की बात करें तो आपने कहा बहुत कार्य किए हैं, कार्य करें तो क्या क्या कार्य किए गए? जैसे कि हम आते हैं तो साइडों में, रोड की साइडों में सफाई हुई पड़ी है, लाइटिंग लगा दी इन्होंने, नीचे आकर जो है टॉयलेट का व्यवस्था कर दिया है इन्होंने, ये सब काफी करा है। ये हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं किया है, किया है, लेकिन और करने की जरूरत है। पब्लिक को देखते हुए ये कम है, उसके अकॉर्डिंग और होने चाहिए। अगर छठ माता को प्रसन्न करने की बात की जाए तो किस प्रकार स्नान किया जाता है, किस प्रकार माता को प्रसन्न करने की कोशिश की जाए? सर अब ये तो आस्था वाली बात है, आकर अब डुबकी लगाते ही हैं, नहीं तो सच बात तो यही है कि आते हैं ऊपर जैसे टैंकर लगा रहता है उसमें नहा कर आते हैं और बस जल में नाम के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पानी इतना गंदा है कि डुबकी लगाने का मन नहीं होता। अभी हम डुबकी लगाएंगे फिर पूरे साल दवाई खानी पड़ती है, एलर्जी हो जाती है, इतनी ज़्यादा वो होता है। बाकी ये है कि ठीक है आस्था का है, पर तो नहा धो के पानी में तो खड़ा होना ही पड़ता है, उतरना ही पड़ता है। स्वच्छता एक बड़ा मिशन रहता है, क्या इसमें देखते हुए कोई डस्टबिन की भी कोई व्यवस्था की गई है यहाँ पर? नहीं, डस्टबिन में ये है भैया कि MCD वाले आए हैं अपना वो सफाई करके लेकर जाते हैं सफाई करके, लेकिन जहाँ तक ये है कि डस्टबिन तो अभी नहीं लगा हुआ है, बाकी यह है कि उनकी गाड़ी आती है, जैसे आप लोग हम लोग अपना सारा कचरा कूड़ा उठाकर उनकी गाड़ी में डाल देते हैं, गाड़ी आती है। ये तो यहाँ मौजूद कुछ सेवादार जिनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली सरकार की तरफ से काफ़ी सेवाएं दी गई हैं लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। यहाँ अगर पानी की स्वच्छता की बात करें तो वो काफ़ी गंदगी है, जिससे कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनमोल कुमार, समाचार वार्ता, दिल्ली। थैंक यू।